मैं इस घर में दोनों परिवारों के बीच में छिड़ी इस नफरत की जंग को प्यार से जीतने आई हूँ। नफरत और प्यार की इस जंग में जीत प्यार की ही होगी। और अधिराज भी हैरान रह जाएंगे। मेरे हाथ चल गए, यो मेरे हाथ कैसे चल गए? क्यों मेरे लड़के से ले? क्यों? अरे कटोरी लेके चले गए थे। अरे डॉक्टर ने फोन करो, खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पर? चंदन लेके आओ चंदन। अरे जाओ, अरे जल्दी कर मुझे। रुकिए, चंदन इसका इलाज नहीं है। तू बड़ा इलाज करे है आजकल सबका। माजी सा के लाड़े सर के लिए के सही है के गलत है थारे को ज्यादा पता है? सुन तो लेके के गलत है। एक मिनट मुझे देखने दीजिए। जिसका डर था वही है, डर था वही है। ये जहर से हुआ, जहर से हुआ है। पानी दीजिए जल्दी, कोई बड़ा बर्तन भी चाहिए। कहा था ना सीधे देवी को देना, पर वो देवर आपको ठंडक तो मिल गई है ना? बाकी चिंता मत कीजिए, ढली हुई चमड़ी की जगह नई चमड़ी आ जाएगी। ये ठंडा दूध जब तक सूखे ना, आप हाथ बिल्कुल ऐसे ही रखना। शुक्र है देवी माँ का कि ज्यादा नहीं जला। कौन सी देवी माँ? देवी माँ, आप चिंता मत करना, आपका इलाज मैं कर रही हूँ। जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। जाके थोड़ी ठंडक मिली हमारे को। यो यो ते यो क्या चल रहा है इस घर में? तेल में जहर, जहर कहां से आया? बड़े तो तेल आपसे लिया था भाभी साहब। तेल में जहर कहां से आया? वो बात जे थी देवर साहब, वो तेल में ले जाओ। लाड़े सर, थारे को कुछ चाहिए?
तो मारे को बोल सके है। जे थेल तारे वास्ते न था की जरूरत थी थारे को लगाने की। जे बात तो ना है ना कि तारे मन में उ छुरी के लिए हमदर्दी बढ़ गई है। मासा के बात कर रही है तू? जो देखा वो बोलू। मैंने हमारी आंखों से देखा वो छोरी थारे को मरम लगा रही थी और थारी नजर वो छोरी से हटती ना थी। माँ से ऐसा कुछ भी ना। कुछ ना हो तो बेहतर है। एक बात ना भूल कि वो छोरी चौहान की है और तू रजावत। और तारा और छोरी का रिश्ता शिकार और शिकारी का है। शिकार करते करते तू खुद शिकार ना बन जा। शिकार ना बन जा। और जी बात मारे को फिर से याद दिलानी ना पड़े। हुकुम साहब डॉक्टर साहब आ गए। चल लड़ी सर। जिस किसी ने भी फर्स्ट एड दी है बहुत समझदारी का काम किया है। तुरंत दूध लगाने से स्किन ज्यादा नहीं जली है और जहर का इन्फेक्शन जो आपके अंदर तक जा सकता था वो नहीं हुआ है। कमबख्त रीजा ने कहा कोई मौका ना छोड़े। कुछ तो करना पड़ेगा वरना हमारे लाड़े ससे हमारे को छीन लेगी। इसमें जो मेडिसिन्स लिखी हैं वो मंगवा दीजिए ठीक हो जाएगा। लीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। जी धन्यवाद पधारिए। अरे क्या हुआ घूर क्यों रहा है ऐसे मुझे? देख रही हूँ छोटा अधिराज बिना अपने हुकुम सा की तरह होता जा रहा है। क्या करती मैं? मुस्कुराना पड़ा मुझे उस खड़ूस अधिराज के सामने। देखा नहीं तुमने कैसे देखते तुम? पर मैं बता रही हूँ ना मासा की नजर पूरी की पूरी मुझ पर ही थी। देनी पड़ी मुझे अपनी अच्छी वाली स्माइल सदिराज को और मासा के तो होश ही उड़ गए। ओ सुनो तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है। पता है ना कि मेरे लिए हमेशा बड़े अधिराज से पहले तुम हो मेरे छोटू से क्यूट से अधिराज। देवरानी भाई साहब देवर साहब बुलाएं थारे को। अच्छा कुछ बताया क्यों? हमारे को नहीं पता बस संदेशा दिए है थारे को बुलाने का। आपको जल्दी में है? हाँ वो हमारा धारावाहिक शुरू होने वाला है ना तो बस इसीलिए एक ही तो चीज है घर में जिससे हमारा मन लागे तो बस वो शुरू होने वाला है। मैं जाती हूँ। आप जाइए मैं जाती हूँ। ठीक है। जी बुलाया आपने? छोरी तने के जरूरत थी मारा इलाज करने की। जरूरत नहीं कर्तव्य। छोरी मारी बिंदनी आंख। बिंदनी नहीं मेडिकल स्टूडेंट होने का कर्तव्य। डॉक्टरी की पढ़ाई में हमें सिखाया था कि किसी भी जख्म का इलाज करना हमारा कर्तव्य है फिर वो जख्म किसी का भी हो कोई दुश्मन या कोई अपना। आप तो मेरे अपने हैं मेरे पति मेरे पति। इलाज करके तने मारे परेशान कर दिया है छोरी
अधिराज रजावत को किसी का एहसान ना रखना। बोल तुझे क्या चाहिए? सोचना पड़ेगा। दो एहसानों के बदले में क्या मांगू? दो रंग दो लाल। याद आया कुछ? डीएम साहब, कॉन्ट्रैक्ट, मुंह दिखाई। शायद मैंने अच्छे से नहीं गाया। आप चाहे तो उस दिन की तरह मैं नृत्य करके भी। रहने दे। बोल रहा क्या चाहिए? तू कहे तो थारे को काल कोठरी से निकाल के अच्छे कमरे में रहने के लिए कह दूं? नहीं, आप सच में एहसान उतारना चाहते हैं? ठीक है फिर, मुझे मेरी आखिरी रस्म पूरी करनी है। गरिमा, मैं उस आखिरी रस्म की बात नहीं कर रही। वो आखिरी रस्म जिसके बाद हमारी शादी की सारी रस्में पूरी हो जाएगी। अब फिर अगर आपको इस बात से इनकार है तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। पर आप ही ने कहा था ना कि आप किसी का एहसान नहीं रखते, और अगर आपको मेरा एहसान रखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, राजा। हमारा फोन पे नंबर डालकर अपने घर का। पासवर्ड चौदह चौरासी। क्यों नहीं है? कहीं माजी साने तो कुछ? नाना, वो मैं भुरभुरी। अंकल भुरभुरी का एक्सीडेंट हो गया अंकल। आप ये सीरियल लेकर हो रही थी? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसे इंसान से मिल रहा हूँ जो सीरियल देखकर भी रो सकता है, इतना भावुक। आपको ऐसे सीरियल देखना पसंद है? मैंने बहुत अच्छा लगा है ये धारावाहिक। जीवन में जब भी कोई परेशानी आवे है ना, तो कोई ना कोई आके बदलाव लावे है। ये तो असल जिंदगी में भी होता है ना। थिवरानी भाई साने देखो कितनी कोशिश कर रही है वो हालातों को बदलने की। हर रस्म को पूरी ईमानदारी के साथ निभावे है वो, पर फिर भी कोई बदलाव ना आवे। हमारी तो समझ में ही ना आवे कि शगुन के है और अब शगुन। आप खाम का भावुक हो रहे हैं। ये अच्छा बुरा ये सब इंसान के हालात को समझने पर निर्भर करता है। बहुत सिंपल, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी हीरोइन के साथ क्या हो रहा है? देखिए ना, यो पहले इससे प्यार करती थी और फिर वो लड़का उसे प्यार नहीं करता था। उसको पता लगा ना कि वो किसी और से प्यार करता है तो वो टूट गई। और अब हेलो हेलो छोटी काका सा, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ बिट्टो, बोल कैसी है तू? आप अपनी बिट्टो को पग फेरे के लिए घर लेने आ रहे हैं ना आज? हाँ बेटा, लेकिन वो माजी साहब ने कहा था ना कि अब हम तुझसे दोबारा कभी मिल नहीं सकते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे उन्होंने खुद कहा है मुझे आपको फोन करके न्योता देने के लिए। ठीक है बेटा, हम आते, तू तैयार रहना। ठीक है पापा। पापा हम देवी दीदी से मिलने जा रहे हैं ना? यस, अब मैं देवी दीदी के साथ ही खेलूंगी। काको सा, त्रिशु इस वक्त घर पे? स्कूल नहीं गए? बेटा अब क्या बताऊं, वो अधिराज ने इसका नाम स्कूल से कटवा दिया है।
मेरे पग फेरे की रस्म के लिए आप मुझे लेने आ रहे हैं ना आज? मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा, हम आते हैं। मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा और आपने पहली बार में ही हाँ कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारी शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। धन्यवाद। और आप चिंता मत कीजिए, आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। हाय हाय मचिसा, क्या हो रहा है ये सब? मतबल तारी ममता की चाव से फिसल कर थारा लाड़े सार सीधा वो छोरी के पल्लों में जा गिरे। ना मतबल, ये मैं ना कह रही हूँ माजी साहब, वो तो वो जो दिख रहा है हमारे को वही कह रही हूँ मैं। हाँ, अब देखिए ना, छोरी ने बस एक बार बोला कि पग फेरे की रस्म होनी चाहिए तो बस बुला लिया उसके महके वालों को। एक बार भी ये ना सोचा कि थारे दिल को के लगेगा, सोचा नहीं? सोचा ना? सच कहूँ माजी साहब, ये औरत के पल्लों में उलझे हुए मर्द का ना कोई होश ना रहे वे। ना, क्यों देवर सेना ठीक ना किया? हमारा मतलब है कि माजी साहब, अगर वो छोरी में खूबसूरती है तो थे भी अपनी ममता को कमना समझना। अब थारी ममता ही है जो देवर सेना रोक सके है छोरी को इस घर में वापस लाने से। बिना तो ये रस्म पूरी होगी और ना ही इस छोरी का मनहूस आयो इस घर में दोबारा पड़ेगा। किया? हाँ बहुत ज्यादा। आपको पता चल गया? पता चल गया दीदी, बस मैं घर पे बैठ के मेरे स्कूल फ्रेंड्स को बहुत मिस करती हूँ और अपने स्कूल को भी। देवी दीदी, उनको पता चल गया कि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ? हाँ बेबी, जीती रहे। अरे आप लोग अंदर तो आइए, चलो चलो मेरी बच्ची। क्या लाऊं मैं आप सबके लिए? सबके लिए चाय। अरे हाँ बुआ सा, पता है मुझे आपकी कॉफी। और कृषि को क्या चाहिए? कम आ गई। छोरी थारा परिवार आ गया, सारे को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। अब तू जा सकती है अपने घर में पग फेरे की आखिरी रस्म करने के लिए। आज तो लगे है कि थक्के देके निकाले की माजी सा इस देवी ने घर से। कोई रस्म ना होगी। लाड़ी सर, थारी आंखें कमजोर है के? ये चौहान रजावत की हवेली में घुस गए हैं।
ये छोरी कहीं न जावेगी, यही सड़ेगी वो। इतना तड़पाऊंगी, इतना तड़पाऊंगी कि छोरी को अपना जीवन आप लगेगा। मास्टर ने बोल दिया छोरी नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी।